आखिर लंबे इंतजार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनौरा को क्षेत्रीय विधायक और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी की पहल पर आधुनिक संसाधन उपलब्ध होने के साथ पर्याप्त स्टाफ मिलते ही प्रसव सुविधा उपलब्ध हुई। प्रथम प्रसव के दौरान आदिवासी महिला ने पुत्र को जन्म दिया। क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह ने इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनौरा पहुंचकर नवजात शिशु को चांदी के चूड़ा पहनाकर जन्म संस्कार संपन्न कराया और स्टाफ नर्सों को भी प्रोत्साहित किया। प्रसव सुविधा उपलब्ध होने से अब प्रसव के लिए महिलाओं को सागर जिले के शाहगढ़ नहीं भागना पड़ेगा। इस मौके पर विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि बीएमओ डॉक्टर हेमंत मरैया ने अवगत कराया और उसके बाद कलेक्टर से कहा कि पर्याप्त स्टाफ और संसाधन होने से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। देर शाम देवपुर निवासी राजकुमारी आदिवासी को भर्ती किया गया था, जिसका प्रथम प्रसव था। बीएमओ डॉक्टर हेमंत मरैया और डॉक्टर अरुण शुक्ला की देखरेख में स्टाफ नर्स रोशनी साहू और उर्मिला संयाम द्वारा प्रसव कराया गया। पर स्टाफ की कमी के कारण बहुत से काम यहाँ ब्रेक हो रहे थे। हमारे बीएमओ डॉक्टर मरैया के द्वारा बार बार आगाह किया और मैंने ही लगातार कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि यहाँ पर बहुत आवश्यक है। ये ग्रामीण क्षेत्र करीब 15-16 हज़ार जनसंख्या इस हॉस्पिटल पर बीएससी पर डिपेंड है और यदि यहाँ पूरा स्टाफ आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम बाकी और जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो दे पाएंगे, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। हमें पर्याप्त यहाँ स्टाफ मिला, हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज आ गई हैं, लैब टेक्नीशियन सब आ गए और आज पहले मैं आदरणीय यहाँ के प्रभारी डॉक्टर शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आज पहली डिलीवरी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनौरा में हुई है। मैं पूरे स्टाफ को, बीएमओ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और आने वाले समय में हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएससी सीएससी वगैरह हैं, जितने भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी पूरी ताकत के साथ उनको फुलफिल किया जाएगा और स्वास्थ्य की सेवाएँ पूरे क्षेत्र में बेहतर दी जाएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। केंद्र की जो बिल्डिंग है हमें 7 साल पहले हैंडओवर हो गई थी, किंतु यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं थीं वो अप्राप्त थीं और माननीय हमारे विधायक जी एवं मंत्री क्षेत्र के सार्थक प्रयासों के द्वारा और बार बार कलेक्टर साहब से मांग की गई, हमें पर्याप्त स्टाफ मिला, पर्याप्त इक्विपमेंट मिले और उसके बाद स्टाफ की ट्रेनिंग के बाद हमने 3 महीने से कोशिश की कि डिलीवरी हो, लेकिन यहाँ कोई डिलीवरी नहीं हो रही थी तो लोगों का विश्वास नहीं था। तब फिर हमने अपने क्षेत्र में आशाओं को और ANM के माध्यम से जो डिलीवरी जो भी होगी हम कराएंगे, रात में हम लोग रुके, हमारा स्टाफ रुका, डिलीवरी कराई, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं और हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र की सारी डिलीवरी यही हो और जो अन्य जगह जाती हैं जैसे सायगढ़ जाती हैं उनको परेशान ना होना पड़े, स्थानीय स्तर पर ही डिलीवरी कराएं और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ लें, जो कि प्रशासन के द्वारा एवं शासन के द्वारा निर्देशित है कि स्थानीय स्तर पर सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उसके लिए हम लोग भाई साहब के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में तत्पर रहेंगे एवं कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार काम करते रहेंगे।